हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फोर अकेडमी पर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद यही करता हूं बहुत अच्छे हैं और अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कल हमने बात की थी जो बंगाल वाला रीजन जो था उसके बारे में, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बारे में हमने चर्चा की थी, और सिराजुद्दौला को किस प्रकार हटा दिया गया। यहाँ पर आपका जो बैटल हुआ प्लासी का, देन प्लासी के बैटल के बाद में, प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल वाले रीजन का रूलर जो है नवाब जो है ये बनाया जाता है मीर जाफर को। किसको बना दिया गया? मीर जाफर। और कल जी मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक होल ट्रेजडी हुआ था 1956, उसमें मिसप्रिंट हो गया था। मैंने 1756 आपको बताया, तो 1756 ही था। तो सो आपने जो वाईफाई स्टडी ऐप से जो डाउनलोड किया है पीडीएफ, उसमें ध्यान रख लेना आप, 1756 ही था। एक दो बच्चों के कमेंट आए थे तो मैंने देखा था, मैंने बोल तो रहा था 1756 ही। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ इसको जो कल हमने पढ़ा था, और मैं भी आज ये वाला पार्ट, बंगाल वाला पार्ट जो है ये हम कंप्लीट कर लें इसको। देन मंडे को जो फ्रांसीसी इंडिया में आए थे और फ्रांसीसियों के द्वारा जो ब्रिटिशर्स के साथ में जो कर्नाटक के बैटल किए गए थे, वांडीवास का बैटल जो किया गया था, इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। लेकिन आज हम इस वाले पार्ट को कंप्लीट करें, चाहे आपका आधा घंटे में कंप्लीट हो, 35 मिनट में हो, 40 मिनट में हो, 45 मिनट में हो। कुछ बच्चों के कमेंट ऐसे भी आते हैं, सर थोड़ी सी छोटी क्लास है। अरे भैया, मेरे को भी पता है किस प्रकार अपने को पढ़ना है। शुरुआत में धीरे धीरे डोज जो आपको देना है, देन आपके एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे, दो दो घंटे की भी क्लास में लेने वाला हूँ, चिंता मत करो। सिलेबस मेरे को पता है, मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो देखिएगा, प्लासी का बैटल जो हुआ 23 जून 1757 ईस्वी की बात हमने की थी, कि यहाँ पर जो आपके अलीनगर की ट्रीटी होती है, अलीनगर की जो संधि हुई थी, मैंने ये बताया था, ये अलीनगर का ट्रीटी या अलीनगर की संधि जो है ये नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी, जिसके द्वारा ये कलकत्ता वाले रीजन को फोर्टिफाइड करने का और यहाँ पर मिंट या टकसाल लगाने का श्रेय जो है इनको दे दिया जाता है। ठीक है, कौन से रीजन में? कलकत्ता वाले रीजन में। तो आगे हम बात अगर करें कि नवाब के जो विरोधी थे, मीर जाफर को घूस दी गई और गद्दी देने का वादा किया गया, प्रॉब्लम यहाँ पर ही थी। और प्रॉब्लम क्या थी? मीर जाफर एन ओपोनेंट ऑफ द नवाब वाज ब्राइब्ड एंड प्रोमिस्ड टू गिव द थ्रोन या राजगद्दी देने का वादा जो है अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिएगा हम आगे बात अगर करें, बिल्कुल मैं पहले ही को आपका पूरा सिलेबस जो है ये कंप्लीट करवा दूँगा, आप चिंता मत कीजिएगा। और आप अगर यूपीएससी की सीरियस तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये अमित कुमार जी, भैया क्लास नहीं लेनी है तो मत ले, तेरी इच्छा है, देख। समझ गया ना, जिसको पढ़ना है, जो सीरियस तैयारी कर रहा है वो यहाँ पर पढ़ेगा, और जिसको नहीं पढ़ना वो बोरिया बिस्तर समेटे अपना घर चले जाए। ठीक है, अब देखिएगा हम बात आगे करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ये कहा था कि जफर ब्राइब्ड मैनी अदर जनरल्स, मतलब जफर जो है इसकी बात अगर करेंगे, ये आपके जफर ने कई सेनापतियों को अपनी ओर मिला लिया। किसके विरोध में मिलाया जा रहा है? ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरोध में मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को यहाँ से हटाने का प्लान चल रहा है, मीर जफर जो है ये आपका विरोध में हो गया है। और साथ में दोस्तों, इस योजना के साथ में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया गया। मैंने ये कहा, अलोंग विद दिस प्लान रॉबर्ट क्लाइव अटैक मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद के ऊपर आक्रमण हो जाता है, और दोनों सेनाएं जो थी ये भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान के ऊपर एक दूसरे के सामने आती हैं। मैंने ये कहा है कि दोनों आर्मी जो थी, दोनों की सेनाएं जो थी, ये दोस्तों आपके प्लासी नामक स्थान के ऊपर आमने सामने आती हैं, और जफर एक तिहाई बंगाली फौज के साथ मैदान में नहीं पहुंचा। मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पर मीर जफर जो है ये ब्रिटिशर्स अर्थात क्लाइव को सपोर्ट कर रहा था, और ये तो यही चाह रहा था कि सिराजुद्दौला को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको रिश्वत देने का कार्य यहाँ पर किया था। समझ गए ना मेरी बात? तो ये वाला इम्पोर्टेंट बैटल, प्लासी का बैटल, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लासी का जो युद्ध हुआ 23 जून 1757। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, बात हम करते हैं कि मैंने आपको ये भी कल बता दिया था कि बारूद गीला हो गया था,
और बंगाली सेनापति जो है ये आपका मीर मदान, ये शहीद हो गया था, ये वफादार था आपके सिराजुद्दौला के प्रति, लेकिन अंग्रेजों की इस बैटल में जीत हो गई थी और सिराजुद्दौला की हार हो गई और मीर जाफर को सत्ता प्राप्त हो गई। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि दोस्तों इन सच ए सिचुएशन द नवाब गेव अप द बैटल फील्ड एंड मीर जाफर गोट पावर, मतलब मीर जाफर जो है ये बंगाल वाले रीजन का आपका क्या बन गया, नवाब बन गया। क्या ये मीर जाफर जो बंगाल का नवाब बना है, मैंने कल आपको इसके लिए कुछ वर्ड बताया था, कठपुतली नवाब। ये कठपुतली नवाब क्यों है, क्योंकि ये आपके अंग्रेजों की मदद से यहाँ पर बंगाल वाले रीजन का शासक बना है और अंग्रेजों की मदद से बना है तो ये अंग्रेज जो हैं इसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रखेंगे। तो देखिएगा, मैंने आपको के एम पन्नीकर के अनुसार भी बताया था, ये एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। इन वर्ड्स ऑफ के एम पन्नीकर, इट वॉज ए डील इन विच द रिच सेट्स ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर सोल्ड द नवाब टू द ब्रिटिशर्स। ये पन्नीकर महोदय तो ये कह रहे हैं आपके कि जो भी बंगाल वाले रीजन के सेठ थे, इन बंगाल वाले सेठों ने मीर जाफर के साथ मिलकर के बंगाल के नवाब को अर्थात सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि 1757 में कंपनी का प्रथम सिक्का जो है ये जारी किया गया। इस्टैब्लिशमेंट पहले ही हो गई थी, टकसाल की स्थापना हो गई थी अली नगर की ट्रीटी के बाद में, लेकिन जो फर्स्ट कॉइन आएगा आपका, ये मैंने ये कहा इशूड द फर्स्ट कॉइन इन अगस्त 1757, अगस्त 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा अपना पहला सिक्का जो है ये जारी यहाँ पर किया गया था। ये बात भी हमने कल कर ली थी। अब देखिएगा, पपेट नवाब, कठपुतली नवाब किसको कहा गया, ये इतिहासकार हैं पन्नीकर महोदय, ठीक है, ओके। अब देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं 1757 से 1760, 1757 ईस्वी से लेकर के 1760 ईस्वी तक मीर जाफर जो है ये बंगाल का कठपुतली नवाब बना रहा और इस दौरान वास्तविक शक्ति क्लाइव के हाथों में रही। ये ऐसा क्यों हुआ, पावर अब क्लाइव के हाथों में क्यों चली गई है, क्योंकि क्लाइव जो है ये आपका इसको बराइब करता है, रिश्वत देता है कि हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। अब जब अंग्रेजों की मदद से ही आपका मीर जाफर बंगाल का नवाब बना है तो अंग्रेज अपना पावर दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, मतलब पूरी शक्ति जो है ये किसके पास में रहेगी, ये आपके क्लाइव के पास में रहेगी। फ्रॉम 1757 टू 1760 मीर जाफर रिमेंड द पपेट नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग विच द रियल पावर वॉज इन द हैंड्स ऑफ क्लाइव। ये क्लाइव के हाथों में पूरी यहाँ पर जो थी मतलब शक्ति, ये क्लाइव के हाथों में चली गई है। और साथ में मैंने ये भी बताया कि साहब जो आपके गवर्नर है विंसी टार्ट, ये अब यहाँ का नवाब मीर जाफर को हटाना चाह रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, ये रेवेन्यू को लेकर के, भू राजस्व कर को लेकर के इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। तो इन्होंने इस बार किसको पकड़ा है, ये मीर कासिम को। मैंने आपको ये भी बताया था कल, ये दामाद था आपका, किसका दामाद था, ये मीर जाफर का ही दामाद था। गवर्नर विंसी टाट ने जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। विंसी टाट रिमूव जाफर एंड मेड मीर कासिम न्यू नवाब ऑफ बंगाल, हम ये कह सकते हैं। अर्थात यहाँ पर बंगाल वाले रीजन का नया नवाब जो है ये अब कौन बन गया आपका, मीर कासिम। हाँ जी बिल्कुल अमृतपाल सिंह जी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने चर्चा की है कि आपके बंगाल वाले रीजन में सिराजुद्दौला था, लेकिन प्लासी का बैटल हुआ, प्लासी के बैटल के बाद में मीर जाफर बन गया है, लेकिन रेवेन्यू को लेकर के डिस्प्यूट हो गया है अंग्रेजों के साथ में, हालांकि मैन पावर जो थी, शक्ति जो थी वो अंग्रेजों के पास में थी, क्योंकि पपेट नवाब कठपुतली नवाब ये आपका मीर जाफर बना है, लेकिन फिर भी जब डिस्प्यूट हो गया है तो ये मीर जाफर को हटा देते हैं और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मीर कासिम जो है ये आपके इन अंग्रेजों के
सामने अपना पावर दिखाने की कोशिश करता है। इसने क्या ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से इसकी अंग्रेजों के साथ में अनबन हुई? और यहाँ पर एक रीज़न बना, एक कारण बना आपके एक बैटल का, और वो बैटल कौन सा? वो आपका बक्सर का बैटल, अर्थात बक्सर के युद्ध की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मीर कासिम मीर जाफर की भांति कठपुतली शासक नहीं था। उसने अंग्रेजों की शक्ति को अधिक बढ़ने से और अपनी शक्ति को कम होने से रोकने का प्रयास किया। आर्थिक मामलों और विभिन्न सुविधाओं को लेकर दोनों में मतभेद बढ़ने लगे और इसी का रिजल्ट ही आपका बक्सर का बैटल हुआ। कोई खास इम्पोर्टेंट ये बात नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है वो हम अभी देखने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि दोस्तों, ये अपनी जो आपकी संप्रभुता आती है उसके प्रयास इसके द्वारा किए गए, लेकिन कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र किया। अर्थात मैंने ये कहा, रीज़न क्या रहे इसके बैटल के, जो आपका बक्सर का बैटल जो हुआ उसके रीज़न कारण क्या थे, ये हम जानने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। द एफर्ट्स ऑफ द नवाब टू बिकेम सोवरेजन द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। मतलब हमने ये कहा है कि आपके मीर कासिम ने अपनी कैपिटल जो आपके मुर्शिदाबाद थी, उस मुर्शिदाबाद के स्थान पर इसने अपनी राजधानी दोस्तों अब कहाँ पर बना ली है, आपके मुंगेर में बना ली है। दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न जो आपके इस बक्सर के बैटल का रहता है, बक्सर के युद्ध का रहता है, वो ये रहता है कि अब तक जो आपके मीर जाफर की बात हम करें, वो आपके अंग्रेजों के कंट्रोल में था। उसने अपनी आर्मी को यूरोपियन टेक्निक से मतलब शिक्षित करने का कार्य नहीं किया, लेकिन मीर कासिम जो है ये सेना को यूरोपियन विशेषताओं से प्रशिक्षित करना और शस्त्र निर्माण तथा गोला बारूद के कारखाने खोलने जैसे कार्यों ने अंग्रेजों के साथ मतभेद उत्पन्न करा दिए। अर्थात इसकी जो आर्मी थी उसको इसने यूरोपियन टेक्निक से शिक्षित करने का कार्य किया, और कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन फैक्ट्रीज क्रिएटेड डिफरेंसेस विद द ब्रिटिश, मतलब अंग्रेजों के साथ में इसका जो डिस्प्यूट हुआ इसका कारण हमने अभी देखा। और ये रीज़न ये रहता है कि एक तो राजधानी ट्रांसफ़र करता है, दूसरी बात अपनी आर्मी को यहाँ पर इसने यूरोपियन टेक्निक से प्रशिक्षित करने का कार्य किया है, और तीसरा कारण ये रहा कि इसने गोला बारूद के कारखाने और अस्त्र शस्त्र निर्माण का कार्य जो है ये स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू अगर आपको है पूछ सकते हैं मेरे को। हाँ जी, ये एक अमित कुमार जी, इनको थोड़ा सा ब्लॉक करना आप, इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बारिश का सीजन है ना, जिसकी वजह से ये ना तो खुद पढ़ रहे हैं ना किसी को पढ़ने दे रहे हैं। अमित कुमार, ठीक है, अब देखिएगा आगे हम बात करते हैं। हाँ जी, स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा, बिल्कुल विपिन चंद्रा बिल्कुल पढ़ सकते हो आप, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं फिर, अब देखिएगा। हाँ बिल्कुल, दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। आप पर्सनल चैट कर रहे हैं तो पर्सनल चैट को हटा देते हैं अभी थोड़ी देर में। चलिए क्लियर है, आगे बात करते हैं। अब मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर क्या किया गया, एक काम और किया इसने मीर कासिम ने, और मीर कासिम ने ये काम क्या किया कि भारतीय व्यापारियों को भी ये छूट प्रदान कर दी। कौन सी? जो आपके कस्टम ड्यूटी जो हुआ करती थी, जो आपके व्यापार के ऊपर जो टैक्स यहाँ पर लिया जाता था, उससे इंडियंस जो भारतीय लोग जो ट्रेड किया करते थे, व्यापार किया करते थे, उनको भी अब क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। तो मीर कासिम ऑल्सो गेव दिस एग्जेम्पशन टू ऑल इंडियंस ट्रेडर्स, भारत के जो व्यापारी थे उनको यहाँ पर कस्टम ड्यूटी अर्थात जो व्यापार की जो छूट थी ये इनके द्वारा प्रदान की कर दी जाती है, जिसके कारण आपके अंग्रेज जो थे ये मीर कासिम से क्या हो गए, नाराज हो गए। ठीक है, तो देखिएगा, हमने ये कहा है कि एक तो कैपिटल ट्रांसफर की जाती है, अब अपनी आर्मी को स्ट्रोंग कर रहा है, गोला बारूद बना रहा है, अस्त्र शस्त्र बना रहा है,
और भारतीय व्यापारी जो उनको व्यापार में छूट भी दे रहा है, टैक्स अंग्रेजों के बराबर कर रहा है, ये रीजन रहते हैं आपके, कारण रहते हैं इस बक्सर के बैटल के। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक मैंने आपको कल करवा दिया था और आज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउदौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड की संयुक्त सेनाओं के मध्य होता है। देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। मैं इधर अगर बात बताऊं, मैंने ये कहा इधर आपका मीर कासिम है और मीर कासिम जो है ये आपके बंगाल वाले रीजन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। मीर कासिम बंगाल वाले रीजन की बात हो रही है और इधर हम बात अगर करेंगे, मैंने ये कहा या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में लिख देता हूँ, ईआईसी की तरफ से अगर हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर जो आपके गवर्नर आएगा इसका नाम था मुनरो, क्या नाम है, हेक्टर मुनरो की बात अगर की जाएगी, ये आपका मुनरो गवर्नर है कंपनी की तरफ से। अब कंपनी ने यहाँ पर बंगाल वाले रीजन में इस मीर कासिम के ऊपर क्या किया, अटैक किया, आक्रमण किया, जिसकी वजह से ये आपका ये अवध वाले रीजन में आ गया। जो आपका मीर कासिम है ये बंगाल वाले रीजन से कहाँ पर आ गया, अवध। और अवध के शासक की अगर बात करते हैं हम, तो अवध के शासक का नाम था सुजाउदौला, क्या नाम है, सुजाउदौला। और साथ में अवध के शासक सुजाउदौला के साथ में अगर हम चर्चा करेंगे, जो आपके मुगल शासक है इनकी अगर बात की जाएगी, तो मुगल शासक जो आपका इस समय था, ये दोस्तों कौन सा आता है, ये आपका आता है शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। ये तीनों शासक एक तरफ हैं और इधर हम बात कर रहे हैं कंपनी की तरफ से जो गवर्नर है इसका नाम क्या है, मुनरो है। तो जैसे ही यहां पर मुनरो के नेतृत्व में, उसकी लीडरशिप में बंगाल से मीर कासिम को हटा दिया गया, बंगाल का नवाब वापस किसको बना दिया गया, मीर जाफर को बना दिया जाता है। मीर जाफर जो था, इस मीर जाफर को बंगाल का नवाब वापस बना दिया गया। ये हम बात कर रहे हैं आपके 1763 ईस्वी की बात हो रही है। अब मीर कासिम, अवध का सुजाउदौला और मुगल शासक शाह आलम सेकंड, और इधर आपके कंपनी की तरफ से जो आर्मी को लीड कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, उसका नाम क्या है, मुनरो है। हमने बात की थी बैटल ऑफ प्लासी जो आपका हुआ, प्लासी का युद्ध जो हुआ, उस बैटल में क्या हुआ था, जो गवर्नर था कंपनी का वो कौन था, वो रॉबर्ट क्लाइव था। और यहां पर इस युद्ध में गवर्नर कौन है, आपके सेनापति कौन है अंग्रेजों का, ये आपका मुनरो है। तो यही हमें देखना है यहां पर। देखिए, मैंने ये कहा कि ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को युद्ध होता है, इस युद्ध में अवध का सुजाउदौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड की संयुक्त सेना के मध्य हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस ऑन 22 अक्टूबर 1764 बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जॉइंट आर्मी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, द नवाब ऑफ अवध सुजाउदौला, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, द ब्रिटिश वर विक्टोरियस इन दिस वॉर। अर्थात यहाँ पर इस युद्ध में भी आपके अंग्रेज जो थे इनकी क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और ये जो आपकी जॉइंट आर्मी आई थी, जो संयुक्त सेना आई थी तीनों शासकों की, इनकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और इस युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर पक्की मोहर लगा दी। स्मिथ के शब्दों में, बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। ये इतिहासकार स्मिथ यहां पर ये कहता है कि जो आपके कार्य अधूरे प्लासी के युद्ध के बाद में रह गए थे, उनको पूरा करने का कार्य अब इस बक्सर के युद्ध में कर दिया गया है। अर्थात हमने ये कहा है दोस्तों कि द वॉर पुट ए फिल्म स्टैम्प ऑन प्लासी डिसीजंस, इन स्मिथ्स वर्ड द बैटल ऑफ बक्सर कंप्लीटेड द अनफिनिश्ड वर्क ऑफ प्लासी। प्लासी का जो अधूरा कार्य था उसको पूरा करने का कार्य इस बैटल के द्वारा किया गया। और दत्ता ये कहते हैं कि प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर का युद्ध परिणामों की दृष्टि से अधिक निर्णायक था। इसका मतलब क्या हुआ कि बक्सर्स वॉर वाज मोर डिसीजिव इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स देन द बैटल ऑफ प्लासी। इसका मतलब ये है
कि प्लासी के युद्ध में आपके अंग्रेजों ने केवल बंगाल वाले रीजन पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर इस बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों रीजन की अगर बात की जाए, तीनों क्षेत्रों की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर दोस्तों तीनों रीजन के ऊपर, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, साथ में आपका अवध वाला रीजन जो आता है, वहाँ पर भी इनकी पॉलिटिकल पावर या फिर राजनीतिक प्रभुत्व जो अंग्रेजों का जो था वो यहाँ पर स्थापित हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया है कि इस बक्सर बंगाल वाले रीजन पर अधिकार रहेगा, बल्कि आपके अवध वाले रीजन के ऊपर भी राजनीतिक अधिकार स्थापित होगा। दूसरी बात, मुगल शासक शाह आलम सेकंड यहां पर आया था, तो शाह आलम सेकंड को भी यहां पर अंग्रेजों के साथ में ट्रीटी साइन करना पड़ेगा, एक संधि साइन करनी पड़ेगी। तो इस युद्ध का रिजल्ट ये रहता है कि न केवल बंगाल बल्कि बिहार, उड़ीसा, अवध वाले रीजन में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होगी, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो इलाहाबाद की संधि होती है उसके बारे में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी, और यह संधि जो है ये आपके दोस्तों बंगाल की बात हम अगर करें, मुगल शासक की बात अगर करें, तो इन दोनों के बीच में होती है। और इन दोनों के बीच में ये क्या संधि होती है, ये चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जो ट्रीटी साइन हो रहा है किस किस के बीच में हो रहा है, ये रॉबर्ट क्लाइव और मुगल शासक शाह आलम सेकंड। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज कंक्लूडेड बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड एंड नवाब आपका जो बंगाल का था जिसका नाम आता है नजमुद्दौला, इनके बीच में ये ट्रीटी होता है, इनके बीच में साइन होती है संधि। और इस संधि के द्वारा क्या क्या निर्णय लिए गए इसके बारे में भी हमें यहाँ पर देखना है। द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी वर द कंपनी गॉट दीवानी राइट्स फ्रॉम मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा विच इज रेफर्ड एट द दुस्लिम इन बंगाल्स रूल। मतलब हम बात अगर करेंगे, मैंने ये कहा जो आपका ड्यूलिज्म, जो आपके मतलब द्वैत शासन की अगर बात करेंगे, मतलब जो आपका मुगल शासक शाह आलम सेकंड है, इसने यहाँ पर कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन के दीवानी राइट्स दिए, दीवानी अधिकार मतलब टैक्स कलेक्शन करने के अधिकार। साथ में मैंने ये कहा आपका द्वैत शासन जो है, ड्यूअलिज्म की अगर बात करेंगे, मतलब जो आपके बंगाल में द्वैत शासन जो है, इसकी संज्ञा यहाँ पर इसको दी गई थी। क्यों दी गई? क्योंकि बंगाल वाले रीजन में, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन में अगर हम बात करेंगे, दीवानी राइट्स का मतलब ये हुआ कि टैक्स कलेक्शन करने का कार्य अब किसके पास में रहेगा, अब अंग्रेजों के पास में रहेगा इस पूरे बंगाल वाले रीजन का, ठीक है। तो देखिएगा, हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन भैया मैं ये कह रहा हूँ गवर्नर तो मुंडो था, लेकिन अलायंस संधि कौन कर रहा है? क्लाइव कर रहा है। ये क्लाइव वापस आ गया था इंडिया में, ठीक है ना। ओके, अब देखिएगा, अब मैंने आपको ये बताया है कि जो आपके इलाहाबाद की संधि होती है, इस संधि के तहत एक तो दीवानी अधिकार इनको प्राप्त हो गए हैं बंगाल वाले रीजन के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर के मुगल सम्राट को शाह आलम सेकंड को दे दिए। ये मैंने कहा कड़ा और इलाहाबाद वाला रीजन जो है आपके अवध वाले रीजन में था, और ये रीजन आपके अंग्रेजों ने उनसे अवध के सुजाउद्दौला से ले लिए, और सुजाउद्दौला से लेकर के आपके मुगल शासक शाह आलम सेकंड को दे दिए। बदले में अंग्रेज जो हैं, कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, द कंपनी टुक द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कड़ा एंड अलाहाबाद फ्रॉम अवध एंड फॉरवर्ड दीज टू मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। द कंपनी एक्सेप्टेड एन एनुअल पेंशन ऑफ RS 26 लाख टू द मुगल एम्परर।
सीधे स्पष्ट शब्दों में छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, एक अलग एक्स्ट्रा पेज लेकर के मैं आपको ये समझाता हूं। मैंने ये कहा कि जो आपके इलाहाबाद की संधि हो रही है, इलाहाबाद की जो ट्रीटी हो रही है, इसकी बात हम कर रहे हैं। और इलाहाबाद की ट्रीटी जो है ये आपके, एक तो मुनरो की चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक नहीं, मुनरो नहीं, क्लाइव की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, और एक आपका शाह आलम सेकंड जो आ रहा है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, मुगल शासक है शाह आलम सेकंड, ठीक है, ये आपका मुगल है, मुगल शाह आलम सेकंड, और ये हम बात कर रहे हैं ईआईसी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से है। अब देखिएगा, क्लाइव जो है ये आपके अवध वाले रीजन की हम बात करेंगे। अवध का शासक कौन था? सुजाउदौला। ये सुजाउदौला से कड़ा और इलाहाबाद वाला रीजन जो है ये लेता है, और ये किसको दे देते हैं? शाह आलम सेकंड को। और इस शाह आलम सेकंड ने, मुगल शासक ने, आपके बंगाल वाले रीजन में, मैंने आपको ये बताया कि दीवानी अधिकार दिए, मतलब बंगाल वाले रीजन में अब कर वसूलने का कार्य कौन करेगा? ये आपके अंग्रेज करेंगे। और क्लाइव जो है ये अवध के शासक सुजाउदौला से कड़ा और इलाहाबाद वाला रीजन जो है ये ले लेगा, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो थे, दोनों जिले जो थे, ये लेता है और वापस किसको देता है? ये शाह आलम सेकंड को देता है। मतलब ये वाला रीजन पहले अवध में था, लेकिन अब किसके कंट्रोल में रहेगा? ये शाह आलम सेकंड के कंट्रोल में रहेगा। और क्लाइव अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये आपके बदले में इसको, मुगल शासक को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देगी। यही बात मैंने यहाँ पर आपको बताई है। मैंने आपको ये कहा कि दोस्तों आपके द कंपनी टुक द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कड़ा एंड अलाहाबाद फ्रॉम अवध एंड फॉरवर्डेड दीज टू मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। द कंपनी एक्सेप्टेड एन एनुअल पेंशन ऑफ आर एस 26 लाख टू द मुगल एम्परर, अर्थात मुगल शासक को प्रत्येक वर्ष आपके 26 लाख रुपए जो है ये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। क्लियर है क्या? यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी? हाँ जी, जल्दी से बताइए, देखिए मेरे को क्लियर है क्या, थम्स अप करके बता दीजिए। ये जो आपका इलाहाबाद की संधि हुई है इसके बारे में आपको क्लियर हो गया है क्या? अमित कुमार सॉरी बोल रहा है, अनब्लॉक कर दीजिए भैया। पहले वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था जिसकी वजह से मामला उसका सेट हो गया है। रीज़न ये रहा कि अंग्रेज़ों की आर्मी जो थी वो आपके यूरोपियन पद्धति से लेस थी, और इधर यूरोपियन टेक्निक से, जो यूरोपीय तकनीक है उससे प्रशिक्षित सेना यहाँ पर नहीं थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ये बक्सर का बैटल ये हार गए थे। सर शाह आलम सेकंड क्यों आया था अवध? अरे शाह आलम सेकंड नहीं आया अवध, मैंने ये कहा जो बाहरी शक्ति आपकी आई है कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो पावर अब बंगाल वाले रीजन में पनप रहा था, उसको इंडिया से हटाने के लिए अवध, मुगल शासक और मीर कासिम तीनों की ज्वाइंट आर्मी थी, तीनों की संयुक्त सेना इनको निकालने के लिए गई थी, ठीक है। कुछ सॉल्यूशन करो ईवीएस का, ठीक है जी करेंगे, ओके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अब ये हमने ये कहा है कि जब आपका ये बैटल बक्सर का युद्ध जो था ये हार गए, अवध वाले शासक की बात हमने की, मुगल शासक की बात की और बंगाल वाले शासक की बात की, तो इनको संधि करनी पड़ी, ट्रीटी करना पड़ा, इलाहाबाद की संधि की बात हमने की है। और ये जो संधि हुई है उसके द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मतलब बंगाल वाले रीजन के दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों के पास में, अब अंग्रेज वहां से पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब ये 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे मुगल शासक को। और कड़ा और इलाहाबाद के दो रीजन जो आपके अवध वाले रीजन में थे ये मुगल शासक को दे दिए जाएंगे। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत आपको नहीं होगी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट।
जो आपके इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त की बात अगर की जाएगी, यह संधि आपके क्लाइव और अवध के शासक सुजाउदौला के बीच में होती है। मतलब हम बात कर रहे हैं पहली ट्रीटी जो हुई थी इलाहाबाद की, प्रथम संधि जो हुई थी वो आपके 12 अगस्त को होती है और मुगल शासक शाह आलम सेकंड के साथ में हुई थी, और ये 16 अगस्त को जो संधि हो रही है ये अवध के सुजाउदौला के साथ में हो रही है, जिसमें इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र सुजाउदौला को वापस कर दिया गया। मैंने ये कहा इलाहाबाद और कड़ा वाला रीजन जो है ये अंग्रेजों ने ले लिया अपने पास, और अंग्रेजों को, अंग्रेजों के द्वारा किसको दिया गया, मुगल शासक को दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला रीजन छोड़ करके वापस पूरा रीजन आपके सुजाउदौला को दे दिया गया। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा है तो नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, द सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज बिटवीन सुजाउदौला द रूलर ऑफ अवध एनक्लेव इन विच द रिमेनिंग एरिया ऑफ अवध एक्सेप्टेड इलाहाबाद एंड कड़ा वॉज रिटर्न टू सुजाउदौला। मतलब मैंने ये कहा कि इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र छोड़ करके पूरा रीजन जो है वापस आपके इस अवध के शासक को दे दिया गया। एन इंग्लिश आर्मी वॉज केप्ट इन अवध एट द एक्सपेंसेज ऑफ नवाब। अंग्रेजों ने ये कहा कि हम आपके अवध वाले रीजन में अपने एक आर्मी रखेंगे, अपने एक सेना रखेंगे, और ये सेना जो है ये आपके खर्चे के ऊपर ही रहेगी। मतलब इसका खर्चा जो है ये आपके अवध के नवाब को ही देना पड़ेगा। एन इंग्लिश आर्मी वॉज केप्ट इन अवध एट द एक्सपेंसेस ऑफ नवाब, अर्थात नवाब के खर्चे के ऊपर यहाँ पर एक आर्मी रहेगी। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। मैंने ये कहा है कि दोस्तों क्या हुआ, पुअर लड़का है लेकिन अच्छा लड़का है, अनब्लॉक कर दो प्लीज। अब क्या बताऊं मैं आपको, उस समय उसके ऐसे कमेंट आ रहे थे जिसकी वजह से मेरे को लग नहीं रहा था कि वो एक गरीब घर का लड़का है, पढ़ने में उसका इंटरेस्ट है, समझ गए ना। एक दो दिन में करवा देंगे, चिंता मत कर, एक दो दिन तो थोड़ा तड़पने देना उसको। अब देखिएगा, बात हम करेंगे द कंपनी गॉट द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग इन अवध। क्या फायदा होता है इस बैटल में, अवध का रूलर, अवध का शासक आपका इस बैटल में आया और हार गया, तो इसका फायदा ये हुआ यहाँ पर कि अवध वाले रीजन में भी अब ये अंग्रेज जो हैं ये आपके फ्री में ट्रेड करेंगे, बिना किसी टैक्स के ये व्यापार यहाँ पर करने वाले हैं। और अवध को अंग्रेजों ने बंगाल और मराठा साम्राज्य के मध्य बफर स्टेट के रूप में बनाए रखा, अर्थात हम बात जब मराठों की करेंगे तब मैं आपको बताने वाला हूँ ये बातें। अवध वॉज मेंटेन बाई द ब्रिटिश एज ए बफर स्टेट बिटवीन बंगाल एंड द मराठा एम्पायर, ठीक है। तो ये आपकी द्वितीय संधि होती है, इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी इसके बारे में हमने बात अभी की है कि ये आपके प्रथम संधि तो मुगल शासक शाह आलम सेकंड के और क्लाइव के बीच में हुई, और सेकंड जो आपकी ट्रीटी इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो आती है यह आपकी किस किस के बीच में होती है, अवध के सुजाउदौला और क्लाइव के बीच में होती है, और युद्ध का हर जाना भी इसके द्वारा दिया गया था, क्लाइव को प्रदान किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर हमने कहा अवध वाले रीजन में अब ये फ्री ट्रेड करेंगे, मुक्त व्यापार करने वाले हैं, इलाहाबाद और कड़ा वाला रीजन अंग्रेजों ने ले लिया और मुगल शासक को दे दिया, ठीक है, और बफर स्टेट के रूप में इसको बनाए रखा गया अवध वाले रीजन को मराठों और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है ना, बंगाल और मराठा साम्राज्य के मध्य बफर स्टेट के रूप में अवध वाले रीजन को यहाँ पर इनके द्वारा रखा गया था। तो ये बिल्कुल बफर स्टेट का मतलब मैं आपको जो मराठा पढ़ाऊंगा तब हम मराठा एम्पायर की बात करेंगे और इधर अंग्रेजों के एम्पायर की बात करेंगे, तब बीच में एक साम्राज्य अवध वाला रीजन आएगा, तब मैं आपको ये बफर स्टेट बता दूंगा, क्लियर करवा देंगे हम इसको। तो अब देखिएगा आगे हम बात करते हैं बंगाल प्रभाव मुक्ति से ब्रिटिश अधीनता तक बंगाल। तो देखिएगा बाद में आपके बंगाल वाले रीजन के रूलर कौन आते हैं, शासक कौन आते हैं, नजमुद्दौला आपका 1765 से 66, उसके बाद में सैफुद्दौला और बाद में मुबारकदौला नवाब आपके बनते हैं, और मुबारकदौला जो है ये आपका बंगाल का अंतिम नवाब था। 1775 में भारत के प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा नवाब पद की समाप्ति करके, मतलब समाप्ति यहाँ पर कर दी जाती है।
मैंने ये कहा कि मुबारक गुलाब वाज़ द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल इन 1775 एडी द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग अनाउंस द टर्मिनेशन ऑफ द नवाबी, मतलब नवाब का पद जो है ये यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको इस प्रकार से बंगाल वाले रीजन में नवाब का पद समाप्त करके यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा इस बंगाल वाले रीजन के ऊपर अपना अधिकार कर लिया जाता है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे आपको देखिएगा किस प्रकार ये स्टार्ट होता है। 1615 ईस्वी में हमने ये कहा कि जहांगीर इश्यूड फरमान टू ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश फैक्ट्रीज गोट लीगल अथॉरिटी। जहांगीर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान अर्थात अंग्रेजी फैक्ट्रियों को वैधानिक मान्यता दी गई 1615 में। फिर हमने ये कहा हुगली में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना और 3,000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल बिहार और उड़ीसा में व्यापारिक विशेषाधिकार इनको प्राप्त होते हैं। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इस्टाब्लिश इन हुगली इन बंगाल। और साथ में हमने ट्रेड के लिए बात की, आपके बंगाल बिहार और उड़ीसा वाले रीजन में ये ट्रेड कर सकते थे 3,000 रुपये के वार्षिक कर के बदले। फिर हमने 1667 औरंगजेब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार का फरमान दिया गया और बंगाल के व्यापार को नुकसान यहाँ पर होता है। फिर 86 में हमने बात की बंगाल के नवाब शाइस्ता खां द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री को बंद करवाया जाना। ये जो आपके इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं उनके बारे में हमने चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। 1698 ये क्या था आपके, मतलब यहाँ पर इंग्लिश गोट जमींदारी ऑफ सुतानाती गोविंदपुर एंड कालीकाता, यहाँ पर बाद में इन्होंने फोर्ट बनाया था, ये मैंने आपको बताया था। 1717 फरुखशियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जिसके द्वारा अंग्रेजों को बंगाल सूरत हैदराबाद में निवास और वाणिज्य का अधिकार, इसे कंपनी को मैग्ना कार्टा कहा गया था। फरुखशियर जो था फरुखशियर गारंटेड रॉयल फरमान नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष के दौर में फोर्ट विलियम की किलाबंदी और हथियारबंदी इन्होंने 1750 में की 1750। फिर 1756 ईस्वी में हमने ये कहा कि नवाब सिराजुद्दौला ने शक किया इनके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर ब्लैक होल ट्रेजडी आपकी होती है, ठीक है ना। चलिए जो भी हमने पढ़ा उसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने ये बात अभी की है अलीनगर की ट्रीटी होती है और अलीनगर की ट्रीटी के बाद में आपके प्लासी का बैटल हुआ, फिर बक्सर का बैटल हुआ और देन आपका ये इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, इलाहाबाद की संधि होती है और इस बंगाल वाले रीजन की नवाबी जो थी ये अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दी गई थी और बंगाल वाले रीजन के ऊपर अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अब एक पावर एक शक्ति और यहाँ पर आने वाली है और वो कौन सी है, फ्रांसीसी हैं। फ्रांसीसियों के साथ में अंग्रेजों के बैटल भी होंगे, कर्नाटक वॉर की बात हम करेंगे। ये वाला मामला आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एक बार आप इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, एक बार दोबारा देखेंगे तब पूरा यहाँ पर आपके सेट हो जाएगा। सो मैं उम्मीद यही करूँगा कि आपने इस क्लास को सेशन को पसंद किया होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी आपको क्लास लगी है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर इसको कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कीजिएगा। मंडे को हमारी क्लास रहने वाली है और मंडे को हम फ्रांसीसियों के बारे में बात करेंगे। देन फ्रांसीसियों से बात होते ही मतलब अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ में जो युद्ध होते हैं उनकी बात होगी और फिर आपका एक क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, सरप्राइज टेस्ट किसी भी दिन आपका ले लिया जाएगा ताकि ये आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, पीडीएफ आपको पता है वाईफाई स्टडी के लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है और उसमें आपको यूपीएससी, ठीक है, और देन हिस्ट्री सब्जेक्ट सेलेक्ट करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। तो मुलाकात करते हैं मंडे को, थैंक यू।